नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में शनिवार को उत्पन्न हुआ तनाव रविवार शाम तक समाप्त हो गया। उदयपुर डीएसटी टीम ने गुजरात के ईडर से आरोपी व उसके साथी सहित नाबालिग लड़की को किया डिटेन। सर्व समाज के लोगों ने गोगुंदा में की बैठक। चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस डिप्टी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में गोगुंदा में किया फ्लैग मार्च। दिन भर थाने में रहे अधिकारी, एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, डिप्टी गजेंद्र सिंह सहित अभय कमांड के एडिशनल एसपी रजत विश्नोई भी रहे मौजूद। पल पल की लेते रहे अपडेट। गोवर्धन विलास बेकरिया गोगुंदा व सायरा पुलिस रही मौजूद। मदरसा मोइनुल इस्लाम इंतजामिया कमेटी ने एसडीएम तहसीलदार व उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली को दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में शनिवार को तनाव व्याप्त हो गया था। यहाँ पर कस्बे की एक नाबालिग लड़की को मुस्लिम समुदाय के तौफिक नाम के एक युवक ने अपने साथ में भगा के ले गया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार को गुजरात के ईडर से एक गेस्ट हाउस से जो है तौफिक नाम के युवक को डिटेन किया। उसके साथ में उसके सहयोगियों को भी डिटेन किया गया है। साथ ही जिस लड़की को तौफिक भगा कर ले गया था उसे भी डिटेन किया है। ये पूरी कार्रवाई जो है उदयपुर जिले की डीएसटी टीम ने की है। डीएसटी टीम धनपत सिंह के नेतृत्व में पहुंची थी। धनपत सिंह जो गोगुंदा के एसएचओ रहे थे, बेकरिया के एसएचओ रहे थे, वो आजकल उदयपुर डीएसटी में शामिल है और उनके नेतृत्व में एक टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस टीम ने कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया इसके बारे में बताते हैं। दरअसल तौफिक जो है यहाँ की नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा कर ले गया। वो इससे पहले हरियाणा में काम कर चुका था। तौफिक जब गोगुंदा से नाबालिग लड़की को भगा कर अपने साथ ले गया, उसके बाद में एक्टिव हुई पुलिस ने उसके संपर्कों को खंगालना शुरू किया। पुलिस को पता चला कि तौफिक हरियाणा में वेल्डिंग का काम कर चुका है। डीएसटी के धनपत सिंह ने बताया कि तौफिक के नंबर की पड़ताल की गई तो उसका नंबर बंद आ रहा था। ऐसे में बड़ी चुनौती थी कि उसको कहां ढूंढे, कहां उसकी तलाश करे। उसके संपर्कों से ज्ञात हुआ कि वो हरियाणा में वेल्डिंग का काम कर चुका है। ऐसे में डीएसटी की टीम हरियाणा जाने की प्लानिंग कर रही थी। इसी दौरान तौफिक का इंस्टाग्राम आईडी ऑनलाइन हुआ। पुलिस को जब इसके बारे में सूचना मिली तो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया। उसकी लोकेशन गुजरात के ईडर शहर में पाई गई। उसके बाद यहां से धनपत सिंह के नेतृत्व में एक टीम ईडर के लिए रवाना हुई, जिसमें हेड कांस्टेबल अखिल कुमार, कांस्टेबल करतार, कांस्टेबल उपेंद्र और खेरवाड़ा से महिला कांस्टेबल जीवनी को शामिल किया गया। ये टीम ईडर पहुंची। अल सुबह ईडर में एक गेस्ट हाउस में इन्होंने दबिश दी और वहां पर तौफिक के साथ में उसके सहयोगियों को डिटेन किया, साथ ही उस लड़की को भी डिटेन किया। एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि हमने सात टीमें कल ही गठित कर दी थी। एसपी साहब के दिशा निर्देशन में डीएसटी, साइबर सेल वगैरह सभी एक्टिव हो गए थे और एक फ्रंट कानून व्यवस्था के नाते यहाँ पे जाब्ता वगैरह भी डिप्लॉय कर दिया था और दूसरी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के पार्ट ऑफ व्यू से टीमें अपना काम कर रही थी। अल सुबह हमने टीमों को सफलता प्राप्त हुई गुजरात में किसी जगह से जो लड़की है उसको दस्तयाब कर लिया गया। आरोपी को साथी में डिटेन कर लिया गया है, उसके सहयोगी वगैरह भी डिटेन है और इसमें लड़की के बयान वगैरह लिए जा रहे हैं। उसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई जारी है। और क्या हालात है अब कस्बे में? जो कल तनाव हुआ था स्थिति शांतिपूर्ण थी, काबू में कर ली गई थी पुलिस द्वारा और आज हमने जहाँ भी संवेदनशील क्षेत्र है, मिश्रित आबादी है और विशेष पॉकेट्स है वहाँ पे जाब्ता डिप्लॉय कर रखा है। हमारे आसपास के थानाधिकारी, डिप्टी एसपी गिरवा वगैरह सभी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और स्थिति शांतिपूर्ण है। आज कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि रात देर रात में ही मैसेज कन्वे हो गया था कि जो इनकी मांग थी लड़की को बरामद कर लिया गया था और आरोपी को डिटेन कर लिया गया था और उसमें विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जा रही है।
तो इधर उदयपुर की डीएसटी टीम ने गुजरात के ईडर में इस तरह की कार्रवाई की, क्योंकि यही मांग सर्व समाज के द्वारा की जा रही थी कि लड़की को जो है डिटेन करके लाया जाए, उसके परिजनों को सुपुर्द किया जाए और आरोपी को जो है तुरंत गिरफ्तार करके उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। तो ये प्रमुख मांग थी। साथ ही ये चेतावनी दी गई थी कि अगर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा और गोगुंदा को बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को जैसे ही गोगुंदा क्षेत्र के और कस्बे वासी लोगों को मालूम पड़ा था कि यहां से तौफिक ने नाबालिग युवती का अपहरण कर लिया और उसे वो अपने साथ में भगा के ले गया है, ये सूचना मिलने के बाद में गोगुंदा कस्बे में आक्रोश था। लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया था, बाजार को बंद करवाए थे। तो उसके बाद में जो है पुलिस का भारी बल यहां पर मंगाया गया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी ताकि यहां पर कानून व्यवस्था जो है बनाई रखी जा सके। आपको बता दें कि शनिवार शाम को ही सर्व समाज के द्वारा एक बैठक की सूचना की गई थी। बताया गया था कि रविवार सुबह 11 बजे गोगुंदा कस्बे में प्रजापत समाज की वाटिका में बैठक की जाएगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि इस मामले में आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। तो रणनीति को लेके ही एक बैठक का आयोजन जो है आहूत करने का निर्णय लिया गया था और इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से की गई थी। रविवार सुबह सर्व समाज के लोग मोबिलाइज हो रहे थे और 11 बजे प्रजापत समाज की वाटिका में सभी लोग जुटे और यहां पर एक बैठक की गई। बैठक में कई निर्णय लिए गए और निर्णय लेने के साथ में शपथ ली गई। मेरा आराध्य देव, मेरे पूर्वजों की शपथ लेता हूँ कि इन विधर्मी मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदूंगा, दुकान मकान मेरा परिसर किराए पर नहीं दूंगा, जो दिया है वो खाली कराऊंगा। शादी में बैंड बाजे घोड़े टेंट लाइट की कोई सेवा इनसे नहीं लूंगा, बाल कटिंग सेविंग नहीं कराऊंगा उनकी जिम पर नहीं जाऊंगा लोहारी काम इन विधर्मियों से नहीं करूंगा। इनसे मैं किसी भी तरह का खोली जोड़ी का रिश्ता नहीं बनाऊंगा। कोई भी वाहन किराए पर नहीं लूंगा। इनकी मजारों पर नहीं जाऊंगा। ये सारे काम मैं करूंगा। ना मेरे परिचितों से होने दूंगा, ना मेरे रिश्तेदारों से होने दूंगा। इस प्रकार से सर्व समाज के लोगों ने प्रजापत समाज की वाटिका में शपथ ली। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को आशंका थी कि कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए, कहीं कोई तनाव ना फैल जाए, कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसके चलते भारी मात्रा में पुलिस बल यहां पर बुलाया गया। अल सुबह जो है यहां पर एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा पहुंच गए, एडिशनल एसपी रजत विश्नोई यहां पहुंच गए, डिप्टी गजेंद्र सिंह भी यहां मौजूद रहे, साथ ही बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह, सायरा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह सहित उदयपुर से भी जाप्ता मंगाया गया था। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाने के एएसआई अर्जुन लाल के नेतृत्व में एक टीम यहां पर तैनात रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोगुंदा चौगान में ये बस पड़ी है, ऐसी दो गाड़ियां यहां पर बुलाई गई थी जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मी थे, साथ ही और भी वाहनों से जो है यहां पर पुलिस का जाप्ता मंगाया गया था, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, वहीं बाजार यहां पर बंद रहा। सर्व समाज की बैठक जब प्रजापत वाटिका में समाप्त हुई तो उसके बाद में जो है बाजार खुला। उधर मदरसा मोइनुल इस्लाम इंतजामिया कमेटी के लोगों ने एसडीएम से मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने बताया कि वो इस घटना की निंदा करते हैं और वो इस शरारती युवक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि युवक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इनके साथ में ही उपद्रव मचाने वाले युवकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर अमन शांति चाहते हैं और जब कभी भी इस तरह के कोई मामले होते हैं तो उसमें वो बिल्कुल साथ में रहकर जो है कार्रवाई की मांग करेंगे और सहयोग करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे भी यही गुजारिश की कि जिस युवक ने शरारत की है सजा उसी को मिले, समाज के दूसरे
लोगों को जो है परेशान नहीं किया जाए इस मामले में, उन्हें ना खींचा जाए, उनके ऊपर जो है किसी किस्म की ज्यादती ना की जाए। तो बहरहाल नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने वाले युवक को डिटेन कर लिया गया है, साथ ही उस लड़के के सहयोगियों को भी डिटेन कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में कानून सम्मत कार्रवाई आगे कर रही है, जांच जारी है। वहीं बाजार खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी है और दोनों ही तरफ के लोगों ने अमन और शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही गोगुंदा का जनजीवन सामान्य हो चुका है। आप यहां आ सकते हैं धुलिया जी के पहाड़ को देखने के लिए, अमरचंदिया तालाब को देखने के लिए, बूज के नाके से बहते हुए पानी को देखने के लिए, अंदेश से गुजरती साबरमती नदी को देखने के लिए और यहां के राणे राव तालाब की पाल पर भ्रमण करने के लिए। ये गोगुंदा पर्यटन के लिहाज से काफी समृद्ध है और मानसून के इस सीजन में यहाँ का मौसम उत्तराखंड जैसा हो रहा है, आप परिवार सहित यहाँ घूमने आ सकते हैं।